नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लाटा ओरिएंटालिस, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का मदर टिंचर में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे कि ये मदर टिंचर जो है ये आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो और कौन से डोज में ये मेडिसिन जो है ये मदर टिंचर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये जो मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटालिस, ये एक कॉकरोच से बनाया गया मेडिसिन है। आपके घर में जो आपको कॉकरोच दिखाई देता है तो उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाया गया है। ये मेडिसिन जो है ये इंसेक्ट, ये जो पूरा इंसेक्ट है उससे बनाया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाया गया है। ये जो मदर टिंचर है ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो होते हैं, चाहे वो इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया हो या फिर जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया हो, तो उनमें ये जो मेडिसिन है, ये जो मदर टिंचर है ये मेंशन किया गया है। तो ये जो मदर टिंचर है ये होल इंसेक्ट यानी कि पूरे इंसेक्ट से ये मेडिसिन जो है ये बनाया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बनाया गया हुआ जो मदर टिंचर है ये आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिसमें ये मेडिसिन जो है रिलीफ देती है। तो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो कि वो है अस्थमा। जब आपको दमा की तकलीफ होती है तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल की जाती है। स्पेशली आपको जब ब्रोंकाइटिस होने के बाद आपको दमा की तकलीफ होती है, ब्रोंकाइटिस यानी कि आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकिल्स रहते हैं, छोटे छोटे जो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में लेके जाते हैं तो उसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। तो उस ब्रोंकियोल का इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है तो उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और इस इन्फेक्शन होने के बाद आपको दमा की तकलीफ होती है तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा में आपको कौन से तकलीफ हो सकती है, जैसे कि आपको खांसी है, डिस्निया यानी कि आपको बहुत ज्यादा सांस फूल जाती है, आपको जोर जोर से सांस लेने की तकलीफ होती है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये जो मेडिसिन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर एक्यूट केसेस में ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको इसको लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। जब आप क्रॉनिक केसेस में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसको हायर पोटेंसीज में इस्तेमाल करना है ताकि ये मेडिसिन जो है ये अच्छी तरीके से एक्ट कर पाएगी। और जब रेनी सीजन आता है, जब बारिश का मौसम आता है, तो उस वक्त पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अगर आप ब्रोंकाइटिस, कफ, डिस्निया जैसी तकलीफ है और आपके फेफड़ों में जो म्यूकस है वो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है और वो पस जैसे दिखता है, पस लाइक होता है, तो उस वक्त मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उस वक्त उसकी सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है और उसको ऐसे लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो कम हो रही है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटालिस, इसके की बेनिफिट्स हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज यानी कि आपकी सांस जो है फूल जाती है तो उस डिफिकल्टीज को कम करने का काम ये मेडिसिन करती है। इसी के साथ अगर आपको कफ यानी कि खांसी की बहुत ज्यादा तकलीफ है, आपके फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़ों में जो भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने का काम ये मेडिसिन करती है। इसी के साथ अगर आपको मलेरिया हो चुका है और मलेरिया में आपका लंग भी अफेक्ट हो गया है, आपको फीवर बुखार बहुत तेज है, तो ऐसे केसेस में ये जो मेडिसिन है ये मदद करती है, आपके मलेरिया को ठीक करने का काम करती है। इसके साथ अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो गया है और ब्रोंकाइटिस के साथ आपको ट्यूबरक्लोसिस की भी हिस्ट्री है यानी कि क्षय रोग अगर आपको होता है तो उस क्षय रोग से आपके फेफड़ों में जो भी फाइब्रोसिस हो जाता है, जो भी आपको खांसी की तकलीफ होती है, आपके खांसी में जो भी खून गिरता है, तो ऐसी अगर आपको तकलीफ है ट्यूबरक्लोसिस की तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है आपकी ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने का काम ये मेडिसिन करती है और बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाती है। इसके साथ ये मेडिसिन जो है ये आपको दमा की तकलीफ है तो उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और आपको जो डिस्चार्जेस होते हैं, म्यूकस जो आपके फेफड़ों में होता है, तो उसको कम करने का काम ये मेडिसिन करती है।
तो ये जो मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटली, इसका आपको इस्तेमाल कैसे करना है और इसका सेवन विधि क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो मेडिसिन जो है लिक्विड फॉर्म में आता है, इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है। आपको किसी भी नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी में ये मेडिसिन जो है ये मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इस मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है इसके 3 या 5 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेने हैं। और आपकी अगर कुछ मेडिसिन या फिर कुछ दवाइयां चालू है तो आपको फिजिशियन से कंसल्ट करके ही मेडिसिन जो है ये आपको लेना है। और आप अगर कुछ मिल लेना चाहते हो, खाना खाना चाहते हो, तो उसके बीच में और आपके मेडिसिन के बीच में आपको 30 मिनट्स का 30 मिनट का आपको गैप मेंटेन करना है। तो ये मेडिसिन जब आप लेते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल के जो पदार्थ रहते हैं तो उसको अवॉइड करना है, जैसे कि कच्चा प्याज है या फिर कच्चा लहसुन है तो उसको आपको अवॉइड करना है। और आपको ये मेडिसिन जो है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करनी है। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करते हो तो आपको जो भी दमा की तकलीफें होती है, आपके लंग्स में जो ट्यूबरक्यूलोसिस यानी क्षय रोग की तकलीफें होती है तो वो कम हो जाती है। और आपको मलेरियल केसेस में अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।